स्वागत है आपका। आईपीएल 2020 के तीसरे मैच में आमने सामने होने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। दोस्तों इस वीडियो में इस मैच का हम प्रीव्यू करेंगे, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। तो अगर आप भी आईपीएल के फैन कर रहे हैं, आईपीएल 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतने वाली है ये मुकाबला, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या केकेआर की टीम? आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये मैच जो है वो ट्यूसडे के दिन होने वाला है, जो कि रात के 8 बजे शुरू होगा। आईपीएल 2020 का तीसरा मैच है और खेला जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के होम ग्राउंड में। लास्ट ईयर दोस्तों आरसीबी के स्टार्टिंग मैचेस जो है वो अवे ही हमें देखने को मिले थे, इसका नुकसान भी आरसीबी को हुआ था, लेकिन यहां पर पहला ही मैच जो है वो होम मैच होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, सबसे अच्छी खबर है। एक तरफ होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जिनको अभी भी अपने पहले टाइटल की जो है वो तलाश है, न्यू लोगों के साथ यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम उतरने वाली है। वहीं दूसरी तरफ होगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिन्होंने अपने स्क्वाड में काफी सारे चेंजेस किए हैं, बहुत ही अच्छा ये स्क्वाड जो है उन्होंने बनाया है। बहुत ही अहम ये मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर की अगर बात करें तो दोनों ही टीमों के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। दो मैचेस हुए थे, दोनों ही टीमों ने एक एक मुकाबला जीता था, लेकिन चारों इनिंग में 200 प्लस स्कोर जो है वो बने थे, यानी कि हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला था। और इस बार भी उम्मीद है कि एक हाई स्कोरिंग मैच जो है वो हमें देखने को मिले, जहां पर एक तरफ होंगे आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक, सुनील नरेन और मॉर्गन जैसे पावर हिटर, वहीं दूसरी तरफ होंगे एबी डिविलियर्स, एरन फिंच, विराट कोहली और क्रिस मॉरिस जैसे धाकड़ बल्लेबाज। तो दोनों ही टीमों के पास काफी अच्छे अच्छे पावर हिटर हैं, और ऐसे में उम्मीद है कि ये मुकाबला जो है काफी ज्यादा कांटे की टक्कर का देखने को मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। तो एरन फिंच के साथ देवदत्त पाडिकल जो है ओपन करते हुए नजर आएंगे। एरन फिंच दोस्तों अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो स्टार्टिंग के मैचेस खेलेंगे या फिर नहीं, लेकिन अगर वो खेलेंगे तो ओपन करते हुए नजर आएंगे पाडिकल के साथ। नंबर 3 पर विराट कोहली होंगे, तो नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स, 5वें नंबर पर दोस्तों गुरकीरत सिंह मान नजर आ सकते हैं, तो 6वें नंबर पर मोइन अली, 7वें नंबर पर क्रिस मॉरिस, तो 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर। इनके बाद दोस्तों यूजी चहल होंगे, नवदीप सैनी होंगे और होंगे उमेश यादव। कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 लग रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बात करें अगर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो सुनील नरेन के साथ राहुल त्रिपाठी ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। शुभमन गिल नंबर 3 पर, तो नीतीश राणा जो है नंबर 4 पर हमें नजर आ सकते हैं। 5वें नंबर पर दोस्तों इयान मॉर्गन होंगे, तो 6वें नंबर पर कप्तान दिनेश कार्तिक, 7वें नंबर पर आंद्रे रसल, इनके बाद 8वें नंबर पर पैट कमिंस, जिन्हें इन्होंने बहुत ही बड़ी रकम में खरीदा है। इनके बाद कुलदीप यादव होंगे टीम के रिस्ट स्पिनर, इनके बाद शिवम मावी और नागर कोटी जो है प्लेइंग 11 में हमें नजर आ सकते हैं। तो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की हमने बात करी, दोनों ही टीमें बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेंगी पहले मैच में, और स्टार्ट जो है वो करना चाहेंगी एक जीत के साथ। तो देखते हैं आरसीबी जीतती है या फिर जीतती है केकेआर की टीम आईपीएल 2020 का तीसरा मैच। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल 2020 का तीसरा मैच, जब आमने सामने होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और केकेआर की टीम? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।